अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस, ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम संस्कृत का एक नया और बहुत एंथुजियास्टिक और जो बेसिक है इंटरेस्टिंग ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउंस। अब ये जो नाउंस है, ये नाउंस को संस्कृत में बोलते हैं नाम। अपने कैमरा शुरू रखिए। नाउंस को संस्कृत में बोलते हैं नाम, और नाम जो है दैट इज न्यूटर जेंडर, दैट इज न्यूटर जेंडर। इसलिए नामानी, वनानी, बराबर वनानी के जैसे। यही सीखना है आज हमको कि ऐसा क्यों आता है। अब हमारा पहला जो पॉइंट है उसमें आपको दिख रहा है नाउंस हैव देयर ओन जेंडर्स एंड नंबर्स। नाउंस जो होते हैं वो नाउंस को खुद के अपने लिंग होते हैं, वचन होते हैं, है ना। अगर मैंने बोला राम तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि टीचर ये पुल्लिंग है। मैंने बोला सीता तो आप बोलेंगे कि टीचर दिस इज मस्कुल, दिस इज फेमिनाइन जेंडर। मैंने बोला बुक तो आप बोलेंगे टीचर दिस इज न्यूटर जेंडर। दैट मीन्स दिस इज बेसिक ग्रामर कि नाउंस हैव देयर ओन जेंडर्स एंड नंबर्स। ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर्स भी होते हैं, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बराबर। तो ये है। अब जैसे इंग्लिश और मराठी में क्या होता है, तो इंग्लिश और मराठी में होता है एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। हम बोलते हैं जैसे कि हमको बोलना है समझो कि वन बॉय, तो हम उसे क्या बोलेंगे, बॉय। टू से आगे बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, बॉयज, बराबर। समझ रहे। फिर अगर हमको मराठी में बोलना है तो एक है, समझ लो बेटा कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में क्या फर्क है। अब हमको समझो बोलना है मुलगा, एक मुलगा, अनेक मुले, दोन दोन भी रहे तो हम क्या बोलते हैं, दोन मुले, अनेक मुले, एक लड़का, दो लड़के और बहुत सारे भी लड़के। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है, तो संस्कृत में एक लड़का अगर हमको बोलना है तो हम बोलेंगे बालकः, बालकः, वेदांती लक्ष्य दे। दो लड़के अगर हमको बोलना है तो हम बोलेंगे बालकौ, बालकौ, बराबर। इंग्लिश, मराठी, हिंदी में क्या हुआ, लड़के लड़के, दो हो या तीन हो। अगर संस्कृत में दो बॉयज बोलना है तो हम बोलेंगे बालकौ, और हमको बोलना है मेनी बॉयज तो हम बोलेंगे बालकाः। दिस इज इट। इसलिए संस्कृत में क्या होता है, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। दिस इज इट। ठीक है, सो दैट मीन्स नाउंस हैव देयर ओन जेंडर्स, नंबर्स। इन संस्कृत नाउंस हैव एट केसेस विभक्ति, नाउंस हैव एट केसेस एंड थ्री नंबर्स ऑन योर कैमरास। लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, इन संस्कृत नाउंस हैव एट केसेस एंड थ्री नंबर्स। नंबर्स कौन से है, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। ठीक है, और केसेस कितनी होती है, आठ केसेस होती है। ईच केस कैरीज इट्स सेपरेट मीनिंग एंड फंक्शन। हर एक विभक्ति को अपना क्या होता है, अपना मीनिंग होता है और अपना उसके लिए एक फंक्शन होता है। वो आपके दिमाग में आएगा फिर, वो मीनिंग और वो फंक्शन जो है वो क्या है। यस, वही, उसी के लिए तो आज हम ये चैप्टर सीख रहे हैं कि उसका मीनिंग जो है वो क्या है, उसका फंक्शन जो है वो क्या है। अब प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन इज इंक्लूडेड इन नाउन वर्ड। अब जैसे कि हम बोलते हैं इंग्लिश में राम, दशरथ इज फादर ऑफ राम,
दशरथ इज फादर ऑफ, जहां नहीं समझा वहां नोट करके रखो, दशरथ इज फादर ऑफ राम, ऑफ अलग आया और राम अलग आया, आई सैल्यूट टू राम, टू अलग आया, राम अलग आया, बराबर, आई हैव बॉट दिस बुक फॉर राम, फॉर अलग आया, राम अलग आया, है ना, तो दैट मीन्स कि इंग्लिश में अलग आते हैं, लेकिन अब अगर हमको बोलना है कि दशरथ इज फादर ऑफ राम, तो हम संस्कृत में बोलेंगे दशरथ रामस्य पिता अस्ति, अब इसमें ऑफ अलग नहीं दिखता, ये देखिए रामस्य, मैं यहां पे हाईलाइट कर रही हूं रामस्य, ये देखिए रामस्य मीन्स ऑफ राम, है ना, मराठी में भी वैसे ही होता है रामाचे, रामाचे से, से का मतलब ऑफ, रामचे वडील दशरथ आहेत, बराबर से आया, सिर्फ इंग्लिश में ही प्रेपोजिशन अलग दिखता है, राम के पिता के, ये जो है काकी के चाची से, इसको बोलते हैं कारक, इसको क्या बोलते हैं कारक, अभी हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद फिर डिफिकल्टीज, हाँ केसेस एंड फंक्शंस, ये केसेस, केसेस क्या है, तो केसेस को संस्कृत में बोलते हैं विभक्ति, उसका प्लूरल फॉर्म होता है विभक्तयः, विभक्ति मतलब एक केस, और विभक्तयः मतलब मेनी केसेस, विभक्ति वन केस, विभक्तयः मेनी केसेस, कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ठीक है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, इतनी विभक्ति है। अब हर एक विभक्ति को कुछ कारक फंक्शन, कारक मतलब फंक्शन, एक बार मैंने इंग्लिश में दिए हुआ है और एक बार मैंने संस्कृत में दिया है, फंक्शन को संस्कृत में बोलते हैं कारकानि। अब प्रथमा जो है वो प्रथमा का कारक कौन सा है, कर्ता, प्रथमा का जो कारक है वो कारक है कर्ता, इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट सब्जेक्ट, द्वितीया का कारक है कर्म, ऑब्जेक्ट, टू आई सैल्यूट टू राम, I salute to Ram, to Ram, ऐसा जब लिखना है तब हम लिखते हैं कौन सी विभक्ति लेते हैं, द्वितीया, या फिर मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, I am reading a book, किसे पढ़ता हूं, पुस्तक को पढ़ता हूं, of course, तो पुस्तक की कौन सी विभक्ति लगेंगी हमें, द्वितीया विभक्ति, इंस्ट्रूमेंट तृतीया करणम, अब तृतीया करणम, मैं पेन से लिखता हूं, बैट से खेलता हूं, है ना, किससे लिखते हो, पेन से, हाथ से प्रणाम करता हूं, हाथ से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, दैट इज करणम, और उसका मीनिंग है बाय और विथ, आई एम राइटिंग विथ पेन, है ना, आई एम सैल्यूटिंग विथ हैंड्स, आप क्या यूज कर रहे हो, वो चतुर्थी, उसे वो उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन को संस्कृत में बोलते हैं संप्रदानम, एंड इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट रिसीवर, अब रिसीवर कौन, मैं आपको ज्ञान दे रही हूं, तो कौन हुआ रिसीवर, यू आर रिसीवर, स्टूडेंट्स आर रिसीवर, बराबर, तो फिर स्टूडेंट्स आर रिसीवर, दैट मीन्स यहां पे स्टूडेंट्स की कौन सी विभक्ति लेनी पड़ेगी, चतुर्थी, राजा याचक को दान देता है, किसे दान देता है, राजा याचक, बराबर, रिसीवर कौन हुआ, याचक, बेगर, बेगर इज द रिसीवर, बराबर, तो वहां पे संप्रदानम रिसीवर, पंचमी अपादानम सेपरेशन, पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, अ फ्रूट इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री, अब वो जो फल है वो फल क्या हो रहा है, तो सेपरेट हो रहा है, कहां से सेपरेट हो रहा है, तो पेड़ से सेपरेट हो रहा है, सेपरेशन, बराबर, माँ घर से बाहर जाती है, माँ घर से बाहर जाती है, सेपरेट हो रही है घर से,
दैट मीन्स सेपरेशन फ्रॉम फ्रॉम द हाउस शी इज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द हाउस. षष्ठी सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज संबंधम रिलेशन ऑफ दशरथ इज फादर ऑफ राम या फिर राम इज सन ऑफ दशरथ. संबंधम रिलेशन उसके लिए कौन सी विभक्ति यूज करनी है षष्ठी. और लोकेशन आई लिव इन अकोला आई लिव इन महाराष्ट्र आई लिव इन इंडिया है ना तो फिर वो अधिकरणम दैट इज लोकेशन. सप्तमी विभक्ति किस लिए यूज होती है इन ऑन प्रेपोजिशन जब भी हमें यूज करना है तो सप्तमी विभक्ति यूज करना. और लास्ट का संबोधन उसका कोई फंक्शन नहीं उसका फंक्शन है इंग्लिश में दैट इज फॉर एड्रेसिंग मेरे प्रिय भाइयों और बहनों है ना ओ प्यूपिल्स ओ स्टूडेंट्स ठीक है ओ बॉय कम हियर ओ एच ओ या फिर ओ एनीथिंग एंड दिस इज ऑल केसेस एंड फंक्शंस. ठीक है अब रिगार्डिंग दिस आपके मन में कुछ डाउट है तो पूछ लो पहले. अब आगे का जो है वो नाउन्स को एंडिंग्स होती है एंडिंग्स कैसे होती है वो देखिए. अब यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है देव ऐसा वर्ड है देव व व व. अब ये जो व है इसमें अ आ रहा है अ अ लास्ट वाला अक्षर क्या है अ. अब जैसे लास्ट वाला देखो आप मरुत उसमें क्या दिख रहा है हिमांशु बोल मरुत में लास्ट वाला वर्ड क्या है हिमांशु बोल त. हाँ त हलंत त बराबर. लेकिन देव में हलंत नहीं है वह पूरा है वह पूरा है मतलब उसमें क्या इंक्लूड है तो उसमें अ इंक्लूड है देयरफॉर दैट इज अकारांत अकारांत एंडिंग इन अ. वन वन में लास्ट में क्या आ रहा है अ आ रहा है मतलब वापिस क्या हुआ वो तो अकारांत. माला माला में क्या आ रहा है अब लास्ट में आ दैट इज अकारांत. कवि मति वारी तीनों वर्ड जो आपको दिख रहे हैं एक है पुल्लिंग एक है स्त्रीलिंग और एक है नपुंसकलिंग बराबर. उसमें क्या है ई छोटी ई देयरफॉर दैट इज इकारांत छोटा इकारांत बराबर. फिर इकारांत अगेन ई की ई का क्या है लॉन्ग ई नदी ई इकारांत. उकारांत छोटा उ भानु धेनु मधु उकारांत. लॉन्ग उ वधु रुकारांत पितृ मातृ रू 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 ऋषि रू. और अब अगर लास्ट में हलंत स है तो वो सकारांत हुआ हलंत त है तो वो तकारांत हुआ हलंत न है तो वो नकारांत हुआ. ठीक है अब रिगार्डिंग दिस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए फिर मैं आगे चलती हूँ. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास तो अब टेबल. अब हम आ गए लर्निंग के पार्ट पे. अब समझो हमारे पास एक वर्ड है बाल ल ल ल ल मतलब उसमें अ इंक्लूड है अ इंक्लूड है तो वो अकारांत हो गया बराबर. वो अकारांत पुल्लिंग नाम बाल बाल का मतलब होता है बॉय. अब देखो अब हमने बोला था अब जिनका जिनकी डिफिकल्टी थी कि फंक्शंस कैसे यूज करना है तो अब यहाँ पे उनकी डिफिकल्टीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी. ठीक है अब समझो पहली विभक्ति है प्रथमा. अब उसमें क्या होगा बाल बाल बाला प्रथमा अ बॉय टू बॉयज मेनी बॉयज. उसके आगे पीछे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा है. द्वितीया बालम बालव बालान द्वितीया टू अ बॉय टी ओ टू 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 बॉयज टू मेनी बॉयज. बालेन बालाभ्याम बाले ही तृतीया इंस्ट्रूमेंटल तृतीय विभक्ति. पहला बालेन बाय अ बॉय बालाभ्याम बाय टू बॉयज बाले ही बाय मेनी बॉयज. चतुर्थी बालाय बालाभ्याम बालेभ्यः चतुर्थी फॉर अ बॉय फॉर टू बॉयज फॉर मेनी बॉयज. बालात बालाभ्याम बालेभ्यः पंचमी फ्रॉम अ बॉय फ्रॉम टू बॉयज
फ्रॉम मेनी बॉयज. बालस्य बालयो बालानाम षष्ठी ऑफ अ बॉय. ऑफ टू बॉयज ऑफ मेनी बॉयज. बाले बालयो बालेषु सप्तमी इन अ बॉय इन टू बॉयज इन मेनी बॉयज. हे बालौ हे बालाः संबोधन. ओ बॉय ओ टू बॉयज ओ मेनी बॉयज. अब ये प्रीपोजिशन ऐसे यूज होते हैं. ठीक है, एक बार मैं पूरा टेबल बोल के बताती हूँ. बाल बालौ बालाः प्रथमा, बालम बालौ बालान द्वितीया. अब देखो न कैसे बोला मैंने, ध्यान रखो मेरे साथ साथ बोलने की, मन में बोलने की कोशिश करो. बाल बालौ बालाः प्रथमा, बालम बालौ बालान द्वितीया, बालेन बालाभ्याम बालैः तृतीया, बालाय बालाभ्याम बालेभ्यः चतुर्थी, बालात् बालाभ्याम बालेभ्यः पंचमी, बालस्य बालयोः बालानां षष्ठी, बाले बालयोः बालेषु सप्तमी, हे बाल हे बालौ हे बालाः संबोधन. ठीक है, अब समझो ऐसा ही हमको दूसरा टेबल तैयार करने का है. वो टेबल तैयार करने का है हमको, समझो देव. ठीक है, या देश करते हैं, देश. देखो कैसा होगा. देशः देशौ देशाः प्रथमा, देशम देशौ देशान द्वितीया, देशेन देशाभ्याम देशैः तृतीया, देशाय देशाभ्याम देशेभ्यः चतुर्थी, देशात् देशाभ्याम देशेभ्यः पंचमी, देशस्य देशयो देशानां षष्ठी, देशे देशयो देशेषु सप्तमी, हे देश हे देशौ हे देशाः संबोधन. बराबर, तो ये था हमारा नाउन्स एंड देयर फंक्शंस. कल हम सीखेंगे सर्वनाम, प्रोनाउंस एंड देयर